हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे पश्चिम बंगाल, कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली विधायक दल की बैठक, बजट सत्र और राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर की चर्चा। अभिनेता सलमान खान के मामले में आ जाएगा फैसला, झूठा शपथ पत्र पेश करने का है आरोप। लगातार तीसरे दिन भी बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 27 तो डीजल में 32 पैसे की हुई बढ़ोतरी। जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग से बातचीत के दौरान हांगकांग और शिनजियांग प्रांत में हो रहे मानवाधिकार के हनन को लेकर चिंता भी जताई। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति और चीनी जनता को चीनी लूनर न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी है। लूनर न्यू ईयर उत्सव 15 दिनों तक चलने के बाद लालटेन उत्सव के साथ खत्म होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वे कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा की ओर से जारी बयान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि शाह ठाकुरबाड़ी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद शाम को केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता में साइंस सिटी सभागार भी जाएंगे, जहाँ वे पार्टी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की बैठक को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शाह का पश्चिम बंगाल दौरा दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के परेड में हुई हिंसा की वजह से स्थगित हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर भारत सरकार अब सख्त रवैया अपना रही है। खबर है कि आदेशों का पालन न करने की स्थिति में ट्विटर के कुछ टॉप अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सरकार ने कंपनी से भड़काऊ सामग्री वाले अकाउंट्स को सेंसर करने की मांग की थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा कि इस मामले में सब्र खत्म होता जा रहा है। वहीं कई सांसदों ने अपने समर्थकों से स्वदेशी ऐप कू का इस्तेमाल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में बजट सत्र और राहुल गांधी की किसान पंचायत को लेकर चर्चा की गई। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी केंद्र सरकार से अकेले ही टकरा रहे हैं और हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। गहलोत ने सभी विधायकों को किसान आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा जनसमर्थन जुटाने का आह्वान किया। विधायकों से आह्वान किया गया कि वे राहुल गांधी की सभाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। अभिनेता सलमान खान के मामले में आ जाएगा फैसला, झूठा शपथ पत्र पेश करने का है आरोप। जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर में सलमान के खिलाफ पेश दो अपीलों पर आदेश होना है। जिला एवं सेशन न्यायालय कल दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। अवैध हथियार और काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल के दौरान सलमान खान पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए अभियोजन ने CJM ग्रामीण अदालत में दो प्रार्थना पत्र पेश किए थे। तत्कालीन CJM जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान खान को राहत दी थी। इसके खिलाफ अभियोजन की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेंद्र काछवाल की अदालत में दोनों ही मामलों में अपील पेश की गई थी। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन राजस्थान में भी जोर पकड़े हुए है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को और गति देते हुए 4 दिन के कार्यक्रमों की घोषणा की है। आगामी रूपरेखा के तहत कल से राजस्थान के सभी टोल नाकों को टोल मुक्त किया जाना तय हुआ है। इनके अलावा पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च, किसान नेता सर छोटू राम जयंती पर किसान एकजुटता कार्यक्रम और रेले रोक कर प्रदर्शन भी शामिल किए गए हैं। मोर्चा से जुड़े राजस्थान के किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि कल से सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित अन्य किसान बहुल क्षेत्रों में बने टोल नाकों को मुक्त किए जाने की कोशिश रहेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग JEN और पटवारी की भर्ती परीक्षा जल्द ही करवाएगा। 4,421 पदों पर जनवरी में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। वहीं 6 दिसंबर को हुई JEN भर्ती परीक्षा पेपर आउट होने के चलते स्थगित हुई है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष पद का पदभार संभालने वाले अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा भी दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियों को जल्द जारी करने की तैयारी में जुट गए हैं। तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल के दाम 32 पैसे बढ़ाए गए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 15वीं बार बढ़ोतरी की गई है और बजट के बाद से अब तक 5 बार भाव बढ़ चुके हैं। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 94.25 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 86.27 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 4.51 रुपये और डीजल के दाम में 4.63 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इस तरह राजस्थान सरकार ने वैट में जो 2% की कटौती की थी वो अब बेअसर हो चुकी है।
सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुले। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 143.55 अंक की गिरावट के साथ 51,165.84 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33.25 अंक की गिरावट के साथ 15,073.25 के स्तर पर खुला। आज 736 शेयरों में तेजी आई और 466 शेयरों में गिरावट आई है। वहीं 87 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डी और भारतीय एयरटेल के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।